मेरा मेरा जो ये पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, मैं प्लीज मेहरबानी करके मैं हमारे जो मुखिया हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार साहब, मैं समझता हूँ वही सर वही सब कुछ है। मैं उनसे एक मैं इस बात को कहना चाहता हूँ सर, सिडको में 1999 से तंजीम मुस्लिम सोसाइटी सानपाड़ा उसने एक जमीन रिजर्वेशन की अपने धार्मिक मस्जिद के लिए मांगी। अध्यक्ष महोदय उसको रोज जमीन दिखाओ, कल दिखाओ, परसों दिखाओ, 1999 से 2008 हो गया, उसके बाद पुलिस ने एनओसी दिया कि चलो ये लैंड ठीक है। अध्यक्ष महोदय उसके बाद फिर कसौर बोलता सर, बहुत इंपॉर्टेंट सर, इसको बोलने दीजिए, 2011 अगस्त में होम मिनिस्ट्री से उस मस्जिद की जगह का एनओसी मिल गया। अध्यक्ष महोदय नगर विकास रुकिए, अप्रैल 2012 में नगर विकास के भी एनओसी मिल गया, लेकिन वहां के रहवासियों ने मोर्चा निकाला, सिडको की को जगह नहीं देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय वो लोग कोर्ट गए 4 अगस्त 2014 को, सिडको को कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया कि इनको ये प्लीज खामोश रहो। अध्यक्ष महोदय फिर इन्होंने सीसी के लिए अप्लाई किया सर, नहीं बनने की कॉर्पोरेशन ने रिजेक्ट कर दिया, अखिल भारतीय सरकार ने नोट लिया हुई, शासकीय विधेयक सरकार ने नोंद घेतली, सांगितलं मी सरकारला सूचना केली, सरकारी नोंद घेतली। अध्यक्ष महोदय त्यांनी जो बसा खाली बसा तुम्ही, त्यांनी त्याची माहिती पूर्णपणे द्यावी। आता त्यांनी नावं घेताना नगर विकास खातं, गृह खातं अशा 2-3 खात्याची नावं घेतलेली आहेत। मी सन्माननीय दिलीप वळसे पाटील साहेब, सन्माननीय एकनाथराव शिंदे साहेब असं त्या सर्वांशी बोलून, कारण सिडको एकनाथरावांच्या अंडर येतं, त्यांच्याशी बोलून काय असेल तो मार्ग त्या ठिकाणी काढला जाईल। परंतु ते काढत असताना तिथली कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती पण व्यवस्थितपणे राहील अशा पद्धतीनं मार्ग काढ अशा पद्धतीनं मार्ग काढला जाईल।